नमस्कार, आप देख रहे हो झलको सीकर। मैं नंदिता आपरे साथ। कोटा में काल सुबह सड़क हादसा में सीकर रा राजेंद्र गुर्जर की जान चली गई, जो कि राजस्थान पुलिस सेवा रा अधिकारी हा। महज 15 दिन पहला ही वे कोटा में RAC सेकंड बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के तौर पर ज्वाइन करिया हा। अबारी पहली ही पोस्टिंग ही RPS राजेंद्र गुर्जर खुदरा साथिया ने बोलिया करता हा कि भाई अभी तो और आगे जानो है, मने तो IPS ऑफिसर बननो है। IPS बनने रे सपने ने बिना पूरा करिया राजेंद्र गुर्जर इस दुनिया से चला गया। हादसा रे बाद पूरा पुलिस महकमा में शोक छायो हुयो है। सोशल मीडिया पर अफसर की तस्वीर पोस्ट कर लोग बाने श्रद्धांजलि दे रिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ प्रदेश और भी कई नेता RPS राजेंद्र गुर्जर ने श्रद्धांजलि दिया है। RPS अफसर राजेंद्र गुर्जर GSUV में सवार हा, बिरी कीमत करीब 18 लाख रुपयाओं भी ज्यादा ही। कार में एयरबैग समेत सेफ्टी रा तमाम फीचर था, बिरे बावजूद अफसर की जान नहीं बच सकी। दुर्घटना के दौरान राजेंद्र गुर्जर रा बैचमेट बेंगू DSP अंजलि सिंह भी कार मौजूद है, बेगंभीर रूप घायल है और बारो इलाज चल रही है। दुर्घटना के बाद गाड़ी का गेट तोड़कर दोना ने बाहर निकाला गया, फिर दोना ने कोटा मेडिकल कॉलेज रा नया अस्पताल ले जाया गया, जटे इलाज के दौरान राजेंद्र दम तोड़ दिया। अंजलि सिंह रो इलाज चल रही है, बारे हाथ में फ्रैक्चर है। नांता थाना का SHO नवल किशोर बताया, हादसों कोटा 15 किलोमीटर पहला हुए हो। बेंगू DSP अंजलि सिंह खुदरा बैचमैन राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ने कोटा जा रहा है। बारी कार सही लेन में चल रही ही, जांच में सामने आया हुए कि एक ट्रक कार के पीछे और एक अन्य ट्रक कार के बराबर में चल रही हो। इस दौरान पीछे चल रही ट्रक कार ने टक्कर मार दी, जो कार बेकाबू हुईगी और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चलेगी और सामने आ रही ट्रेलर टकरागी। नवल शर्मा बोलिया कि FSL की टीम भी मौका पर बुलाई गई, वे घटना स्थल रो निरीक्षण करिया। FSL टीम हादसा रा कारण और एक्सीडेंट रे वक्त कार री रफ्तार की जांच कर रही है। हादसा री सूचना मिलवा पर राजेंद्र गुर्जर रा परिजन भी कोटा पहुंच गया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम करवा कर राजेंद्र गुर्जर रो शव परिजना ने सौंप दियो गयो। परिजना ने सिर्फ हादसा की जानकारी दी गई ही, मौत के बारे में बात नहीं बताया गया। ट्रेलर ड्राइवर धर्मराज बताया कि मैं कोटा रा बोराबास और धनेश्वरी तरफ जा रही हूँ, तब हाईवे पर बनी पुलिया 1 किलोमीटर आगे पहुंचता ही मैं देखियो कि एक बेकाबू SUV डिवाइडर कूदता हुआ गलत दिशा में मारा ट्रेलर की ओर बढ़ रही है। सामने हमारी कार ने देखता हुआ मैं ब्रेक लगाने की भी पूरी कोशिश करी, पर ब्रेक 50 मीटर आगे की तरफ जाए बाद में लग गया, तब तक भीषण टक्कर हो चुकी है। ट्रेलर ड्राइवर धर्मराज बताया कि हादसा के बाद दोनों ने निकालबा के लिए राहगीर की भी मदद लेनी पड़ी, पर कार का दरवाजा पिचक गया और दोनों अंदर फंस गया। फिर ट्रैक्टर बुलाकर रस्सी बांधकर कार का दरवाजा तोड़ बाने बाहर निकाला। राजेंद्र गुर्जर का दोस्त और कांग्रेस पार्षद बबलू कसाना बताया कि राजेंद्र IPS ऑफिसर बनना चाहता है। बबलू बोला कि राजेंद्र गुर्जर जब भी मिलता है तो अलग अलग किताबा की बात ही करता और माने भी किताबा पढ़वा के लिए प्रेरित करता है। वे IPS की तैयारी भी कर रहा है। जब भी एक साथ बैठता है तब हमेशा एक ही बात कहता कि भाई अभी तो IPS बनना है और मैंने आगे जानो है। बबलू बोला कि राजेंद्र ने किताबा के अलावा कोई चीज रो शौक नहीं हो। बबलू नम आंख्या के साथ आगे बताया कि धुलंडी पर राजेंद्र ने फोन कर होली खेलवा के लिए बुलाया है, विदिन में लोग खूब मस्ती करी ही, पर माने पतो नहीं हो कि शुक्रवार की सुबह माने बीरी मौत की खबर मिली। राजेंद्र गुर्जर के साथ तैनात कांस्टेबल बलवंत बताया कि मैं खुद RS की तैयारी कर रही हूँ और जब राजेंद्र गुर्जर सर ने आबाद पतो चालिया तो बीमारी खूब मदद करता है। कोई भी टॉपिक ने ले डाउट हो तो देर रात में बन कॉल कर दे तो वे कॉल रिसीव करता और फोन पर ही टॉपिक ने समझा देता है। छुट्टी लेनी होती या कोई अधिकारी काम हो तो वे मन कहता कि मैं हैंडल कर ले, पढ़ाई पर ध्यान दे, समय खराब मत कर। इतना अच्छा इंसान री आम दुर्घटना में ऐसा मैं मृत्यु हुआ से हर कोई री आंखें आज नम है।